शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम से कम 10% इजाफे का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं सरकारी मुलाजमीन बिलखसूस कम स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना करना नाकाबिले कबूल है। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने अपने रद्दे अमल में कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में हर साल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया और उन्हें हाउसिंग अलाउंसेस के अलावा दीगर मराद फराहम की। महंगाई हर हद पार कर चुकी है, सेहत के अखराजात बढ़ चुके हैं, ऐसे में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह न बढ़ाना नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। मौजूदा बजट से जाहिर नहीं होता कि मुल्क मुआशी कसाद बाजारी और सुस्त रवि से गुजर रहा है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुआशी तहरीक पैदा करने के इकदाम कहाँ हैं, सरकारी शोबे के तरक्याती अखराजात और मंसूबे कहाँ हैं, वो इकदाम दिखाई नहीं देते जिनसे रोजगार पैदा हो और लोगों की गुर्बत खत्म हो सके। किसानों की मदद के लिए किसी प्रोग्राम का बजट में जिक्र तक नहीं, जरिए शोबा 2.9% कमी का शिकार है, ऐसे में किसानों को रियायतें नहीं देंगे तो कब देंगे। मौजूदा हुकूमत किसान और ज़राअत के लिए इकदाम में भी बुरी तरह से नाकाम हुई है।